हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? टुडे इज़ फ्राइडे एंड आज एक सुबह सुबह दिक्कत हो गई है। पानी की टैंक हमारे नहीं भर रहे हैं, टैंक ख़त्म है तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे। यो अराउंड 4 एंड अब मैं आपको दूंगा फुल रिव्यू इस व्लॉग में। ये कैसियो की प्रोटेक वॉच है और ये मैंने ली थी, इसको फोकस करता हूँ। ये मुझे हो गया करीबन 2-3 महीने इसको यूज़ करते हुए। तो दिस इज़ अ फुल सेंसर वॉच, प्रोटेक मॉडल है, कैसियो का 2018 का ही मॉडल है एंड ट्रिपल सेंसर। ट्रिपल सेंसर का मतलब है इसमें 3 सेंसर्स हैं जो कि सभी कैसियो की टॉप एंड वॉचेस में आते हैं। ट्रिपल सेंसर से मतलब है 3 सेंसर्स। फर्स्ट सेंसर इज़ फॉर एल्टीट्यूड, सेकंड सेंसर इज़ फॉर टेम्परेचर एंड थर्ड सेंसर इज़ फॉर बैरोमीटर। तो इसमें बेसिकली 3 सेंसर्स थे और लुक वाइज काफ़ी स्पोर्टी और अच्छी लुक थी। और ख़ास बात इसमें थी कि इसमें रेडियम है, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं जो मुझे पसंद आया था इसमें, दीज आर रेडियम थिंग। एंड ये जो स्ट्रैप है इसके पीछे जो कोटिंग है ये भी रेडियम की है, तो ये जब रात होती है तो ग्लो करता है। तो अदरवाइज और बाकी सारा इसका फीचर्स, वाटर रेजिस्टेंट एंड फुली ऑटोमेटिक सोलर वॉच है, मतलब इसका मतलब है कोई बैटरी इसमें नहीं डलनी, सूरज से या लाइट से ये चल जाती है और हमेशा चलती रहती है। तो इसका फुल रिव्यू में जो मुझे इसमें अच्छा लगा, जो मैंने बताया, इसकी लुक्स वाइज, इसका ऑटोमेटिक फीचर जो कि अपने आप चार्ज हो जाना विद, इसका ऑटोमेटिक चार्ज हो जाना विद लाइट एंड ऑल दैट, वो चीज़ें अच्छी हैं। कंपास भी है इसके अंदर फॉर लोकेशन वाइज, तो ये सब कुछ मुझे इसमें अच्छा लगा। और इसमें ये जो पेक्लर फीचर था इसका कि कोटिंग है, वो भी मुझे बहुत पसंद आया। तो लुक्स वाइज एंड फीचर वाइज तो मुझे काफ़ी पसंद आई ये वॉच। अब बात करते हैं इसके टेक्निकलिटीज़ की, इसके सेंसर्स की। पहले मैं सोचता था ये सेंसर्स जो हैं काफ़ी काम की चीज़ हैं, मतलब काफ़ी एक्यूरेट हैं। तो मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके टेम्परेचर सेंसर की। टेम्परेचर सेंसर इसका काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, बट तभी एक्यूरेट है जब ये ऐसे पड़ी है। अब इस टाइम इस कमरे का टेम्परेचर ये बता रहा है 34 डिग्री सेल्सियस, जो कि अभी एसी नहीं ऑन है, विदाउट एसी बाहर 38 है, अंदर 34 है, दैट इज़ ओके। बट ये जो टेक्नोलॉजी है इसको जब आप अपने रिस्ट पे बांध लेते हैं तब जो इसकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स टेम्परेचर है वो कम हो जाती है। तो ये सेंसर तो आपको प्रॉक्सी बता पाएगा, क्योंकि अभी ये ठीक बता रहा है क्योंकि ये मैंने उतारी हुई है। अगर आपने इसको डाला हो तब ये थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा ही बताती है, क्योंकि आपकी बॉडी हीट इसमें चली जाती है। तो टेम्परेचर सेंसर सो ओके टाइप्स। अब बात करते हैं इसके बैरोमीटर की। काफ़ी लोगों को बैरोमीटर का मालूम नहीं होगा कि वॉच में बैरोमीटर का यूज़ क्या है। इसका यूज़ बेसिकली सिंपल लैंग्वेज आपको बता देता हूँ, अगर कोई किसी की कैसियो की जी शॉक जिसने लिया या प्रोटेक लिया उसमें सेंसर्स में वन ऑफ द सेंसर इज बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का यूज़ होता है प्रेशर नापने के लिए, पास्कल्स में नापता है प्रेशर। तो उससे क्या पता लगता है आपको कि बारिश आने वाली है या नहीं, तो उस चीज़ में मुझे ये सही नहीं लगी, क्योंकि जब जब बारिश का मौसम बनता है तब प्रेशर जो है आपका डाउन जाता है, और इसमें मुझे कभी भी इसी रेंज में प्रेशर इसका मुझे दिखा 967 to 970। हालांकि अब जब बारिश होने वाली होती है तो ये डाउन होता है। तो ये जस्ट एक आपको डेकोरेटिव थिंग लगेगी इसमें, क्योंकि ना तो ये बीप करती है लो प्रेशर होने पे, लो प्रेशर मैंने इसमें देखा ही नहीं, और जबकि इसको लेते हुए मतलब इसके साथ मैंने कई बार बारिश देखी है। तो दैट मीन्स इसका जो बैरोमीटर इज़ नॉट वर्थ इट। अब थर्ड इसमें सेंसर है आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड मीन्स कितनी ऊंचाई पर हैं आप। अब उसकी सेंसिटिविटी आई डोंट नो कि कितनी है इसके अंदर, बट
जब मैं सोचता था कि इसमें इतना सेंसिटिव एट्रीब्यूट सेंसर है कि जब हम ऊपर हैं, छत पर हैं, मतलब टेरेस पे हैं, तब भी इसको थोड़ा दिखाना चाहिए कि आप कितने अबव हैं, अबव द ग्राउंड। तो वो फीचर भी इसमें वो उस तरह से काम उसने नहीं किया, तो वो भी मेरे लिए थम्स डाउन है इसमें। तो अगर आप, और ये एप्लीकेबल होता है ऑलमोस्ट हर एक वॉच पे कैसियो की, चाहे वो जी शॉक है चाहे वो प्रोटेक है। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गुड वॉच, बट इफ़ यू वॉन्ट इट फॉर सेंसर्स देन डोंट परचेज दिस वॉच, क्योंकि सेंसर्स आर जस्ट फॉर नेम ओनली, आई थिंक सो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये कोई जो मुझे इसमें दिखा वो मैं आपसे बता रहा हूँ। अब ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ मुझे इसकी भी नहीं पता कि येस और नो, क्योंकि जैसे इसमें मैनुअल में इसका लिखा गया था कि अकॉर्डिंग टू दिस इट्स मैनुअल कि ये स्टैंडर्डाइज्ड है, इसमें आपको कोई पंगा नहीं लेना, एक बार आप ऑन करेंगे तो वो चलेंगे। तो शॉर्ट में समरी में इसका रिव्यू बता देता हूँ। ऑन एंड ऑल लुक्स वाइज गुड, द सोलर टेक्नोलॉजी ऑफ ऑटोमेटिक फुल कंट्रोल दैट ऑटोमेटिक चलती रहती है, कोई सेल की बैटरी की जरूरत नहीं है, सेल से चार्ज होती है, गुड। रेडियम ग्लोइंग बैंड्स, गुड। वाटर रेजिस्टेंस, गुड। बारिश के साथ काफ़ी बार रह चुके हम इसके साथ, नो प्रॉब्लम। एंड टेम्परेचर सेंसर, ओके ओके। आल्टीट्यूड बैरोमीटर और वर्ल्ड टाइम इसमें है, जो कि दैट्स ओके, जो इसका अपने आप कर सकते हैं। एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अलार्म्स इसके इसमें हैं, दो तरह के अलार्म हैं, 24 आवर्स, मतलब हर एक घंटे बाद भी बजता है, एंड आप इसमें दो अलग से भी सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड दिस इज़ बैरोमीटर, ये देखिए 967 इसी रेंज में दिखाता है, चाहे बारिश होने वाली हो चाहे ना होने वाली। ये आएगा टेम्परेचर 35.1, क्योंकि अभी नीचे उतर रही है तब भी इसको हम एक्यूरेट मान सकते हैं, अगर आपके रिस्क अगर अटैच हो तब इट्स नॉट गुड। एंड दिस इज रिकॉल लास्ट, एंड दिस इज स्टॉप वॉच, टाइमर, दिस आर अलार्म्स, दिस वर्ल्ड टाइम, एंड दिस इज द एक्चुअल टाइम फ्राइडे, टुडे इज 5:08। देखिए पैरामीटर वही 967। तो उन चीज़ों में ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो मुझे इसकी पसंद नहीं है, जो जो पसंद थी मैंने आपको बता दी हैं। लुक्स वाइज इट्स वेरी नाइस पीस ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये इसके कंपास और उसके लिए हैं बटन्स, और इस तरफ आपको दिखेगा मास्टर बटन। एंड तो ऑन एंड ऑल इट्स ओके टाइप्स, मैं इसको दूंगा 10 में से 6 नंबर। तो लुक्स वाइज इसको दूंगा 10 में से 10 नंबर, क्योंकि लुक्स वाइज जब इसको डाले होते हैं इट टर्न्स हेड, वो इसमें है। ड्रोन को लेके कि सेंसर्स का मुझे हमें डेमो दीजिए, तो वो आज अगर प्लान हो पाया तो यू विल सी इन दिस वीडियो, इन दिस व्लॉग, अदरवाइज नेक्स्ट कल आपको दिखा देंगे।